नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला डिजिटल भारत न्यूज के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने हैं इंजीनियर प्रभात दुबे, जो कि महाकौशल विज्ञान भारती परिषद के प्रांतीय सचिव हैं और एक युवा इंजीनियर हैं और एक युवा समाज सेवी है। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ उनके बारे में, कुछ उनके समाज सेवा के बारे में और कुछ उनकी टेक्निकल बातों के बारे में और कुछ उनकी राजनीतिक योजनाओं के बारे में। चूँकि वो कहीं ना कहीं समाज सेवा में दिलचस्पी रखते हैं, तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रभात दुबे जी से। प्रभात जी नमस्कार। प्रभात जी, सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि इंजीनियर प्रभात दुबे जी क्या है आपकी भविष्य की योजनाएं, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चूंकि आप एमटेक भी कर चुके हैं तो एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे दर्शकों को क्या देंगे? मैंने इंजीनियरिंग करी है आज से 10-12 साल पहले, एमटेक किया, मुंबई में जॉब करी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव था जबलपुर वापस आने का और जबलपुर में कुछ करने की इच्छाएं थी, तमाम योजनाएं थी, उसी के तहत मैं जबलपुर आया कि बाहर तो जॉब हर कोई करता है पढ़ने लिखने के बाद, लेकिन क्यों ना हम जबलपुर जाए और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सके, वहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, उसी उद्देश्य से मेरा जबलपुर आना हुआ। मैं जबलपुर में सेट हो गया हूँ, जबलपुर में क्रियाकलाप आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ सोचता हूँ कि लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, जो निर्धन निःशुल्क गरीब लोग हैं, बच्चों को प्रेरणा दे सकूँ कि आगे एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे तरक्की करनी है, ये प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात जबलपुर में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं माननीय प्रभात दुबे जी। प्रभात दुबे जी, किस प्रकार की योजनाएं हैं मन में ऐसे बदलावों को लाने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो बदलाव आएगा किसी भी समाज में, किसी भी स्थिति में, कि हम तरक्की करें बहुत अच्छी बात है, बहुत आधुनिकीकरण में भी आगे बढ़े, मॉडर्नाइजेशन को भी आगे ले, लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्कारों को ना भूलें। संस्कृति और संस्कार जीवन के दो अमूल्य सत्य हैं। जिस इंसान ने संस्कृति और संस्कार छोड़ा है वो आगे तरक्की बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े और भारत का नाम विश्व की परम अखंड भारत का जो सपना है, अखंड भारत हमारे पूरे संपूर्ण विश्व में नाम नंबर वन पे रहे, उसके लिए संस्कृति संस्कार बहुत जरूरी है। और शिक्षा और एजुकेशन दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि विद्यार्थी या बच्चा, कोई भी आदमी शिक्षित होगा तो उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, वो सही चीजों का उचित टाइम पे उचित निर्णय लेगा, स्वस्थ रहेगा तो वो उसको स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहेगी, जिससे वो श्रम अच्छा कर सकेगा और अच्छे से काम कर सकेगा। क्योंकि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं, एक एनजीओ का भी आपने निर्माण किया है और उसके तहत आप कार्य करते रहते हैं, उस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारी 2-3 समितियां हैं, लेकिन वो समितियां निःशुल्क हैं, मतलब सरकार से कोई भी लाभ नहीं देती, ना सरकार की से कोई भी योजनाओं का लाभ उठा के काम नहीं करती। हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों को जोड़ती है, मैं स्वयं सोचता हूँ कि हम कुछ भी अपना जीवन का जो भी भाग है हमारे धन का, जिसमें थोड़ा सा हम अपने आप को रोक के, सुविधाओं को रोक के उस खर्च को समाज सेवा में लगाएं। तो बच्चों को हम निःशुल्क कॉपी किताबें बांट सके, उनको मूलभूत सुविधाओं को बढ़ा सके, स्कूलों में टंकी की व्यवस्था करा सके, वहाँ के लिए कॉपी किताबें, ये सारी तमाम योजनाएं हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को काम कर सके हम रक्तदान शिविर लगाते हैं बच्चों को, या गरीब लोगों को कंबल बांटने का प्रयास करते हैं, और उसी के तहत हम सोचते हैं कि बच्चों को, मतलब गर्मी के टाइम हमारी योजनाएं होती है कि प्याऊ का काम हम लगाएं, प्याऊ को बढ़ावा दें ताकि राहगीरों को पानी की व्यवस्था उचित मिल पाए। ये सब सोच है कि पढ़ने के साथ साथ, ठीक है कई लोग मुझसे पूछते हैं आप पढ़ने के साथ ये भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी तो दायित्व है जी कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए, जब तक कि हम भविष्य में ये बोल सकते हैं अपने आप से कि हाँ हमने अपने आप से कि हमने कुछ अच्छा किया है समाज के लिए, जितना कुछ हो सका है। एक व्यस्ततम जिंदगी के बावजूद भी कैसे समय निकाल पाते हैं इन सब समाज सेवाओं के लिए? अब समय तो ऐसा है सबके पास 24 घंटे हैं, बिल्कुल आप सजा जी सही बोल रहे हैं, लेकिन समय कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा, किसी न किसी चीज को कटौती करनी पड़ेगी, तो कोशिश प्रयास रहता है हमेशा कि समय निकाल सके और अच्छे कामों में समय का सदुपयोग कर सके, मतलब व्यवसायीकरण के बाद भी मतलब समय निकालने की प्रयासरत रहते हैं और प्रयास करते हैं। साथ ही आप महाकौशल विज्ञान भारती परिषद के प्रांतीय सचिव हैं जी, मैं सही बोल रहा हूँ जी? जी, तो उसमें किस प्रकार का कार्य रहता है और कैसे आप अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? महाकौशल विज्ञान परिषद
विज्ञान भारती की एक इकाई है जो महाकौशल प्रांत में आगे काम कर रही है। उसका मूल उद्देश्य जो है कि समाज में एक भारतीय विज्ञान को आगे बढ़ाना। प्राचीनतम जो विज्ञान है हमारा भारत का, जो कई हजारों साल पहले से विख्यात है, यहीं से सब चीजों का निर्माण हुआ है, तो उस प्राचीन विज्ञान को लोगों के बीच में लाना, बच्चों को, हमको समझना कि हमारे विज्ञान में इतना कुछ है कि हम उसका सही एनालिसिस करें, स्वदेशी विज्ञान को, तो हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आप देखिए विज्ञान भारती जो काम करती है, हम लोग गाँव में देखते हैं किसान हल को कैसे यूज करता है, ये छोटी छोटी चीजों को, मतलब वो उसमें विज्ञान है, उस विज्ञान को बढ़ावा देने या स्वदेशी विज्ञान को, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसी के तहत महाकौशल विज्ञान परिषद कार्य कर रही है और मुझे ये दायित्व मिला है, मैं प्रयास करता हूँ कि दायित्व को अच्छे से निर्वाह कर सकूं। क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की दशा और दशा इस समय कुछ बिगड़ी नजर आती है। बिल्कुल सही, इंजीनियरिंग के बारे में क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग के हालात तो पिछले 5 सालों में काफी बिगड़ चुके हैं। जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग का रुझान कम होने का वजह है कि लोगों को, छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरियां नहीं। मेन चीज है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर में रिसेशन चल रहा है, तो लोगों को जॉब नहीं है। अब विद्यार्थी ये सोचने लगे हम 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं फिर भी हमें वो जॉब नहीं मिलेगी और वो क्वालिटी भी नहीं बची है, तो इंजीनियरिंग का ग्राफ तो कम हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि सबको मिलके और भारत शासन को या ऊपर जो बैठे हुए उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसकी दशा और दिशा को बदले इंजीनियरिंग को, ताकि बच्चे इंजीनियरिंग के प्रति रुझान बढ़े और एक अच्छे इंजीनियर छात्र छात्राओं का निर्माण हो। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाते हैं शहर में, आने वाले समय में और किस प्रकार के कार्यक्रम आप समाज के लिए करते नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाता है विभिन्न प्रकार के शिविर आपके द्वारा लगाए जाते हैं, चाहे वो छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का हो और चिकित्सा शिविर हो जी। चाहे हम गरीब सरकारी स्कूलों में देखा जाता है आपको कभी कपड़े, कभी कभी कॉपी किताब बांटते हुए, और ये भी देखा जाता है गरीबों को कंबल बांटते हुए, ऐसी आपकी एनजीओ द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आने वाले वक्त में किस प्रकार के कार्यक्रम और भी करते आप नजर आएंगे? नहीं, प्रयास है कि ऐसे काम हम निरंतर करते चले जी। इसमें हमको ऊपर वाला आशीर्वाद दे कि हम निरंतर इस कार्य को आगे करते रहे, निर्धन गरीब लोगों को या जो जिनको किसी चीज की कमी है, ये प्रयास करें कि हम कुछ ना कुछ अपना सुविधाओं को कटौती करके कुछ पैसे की बचत करके उनके लिए अच्छा कर सके। उसी के तहत तो हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, करीब 162 जो टीचर रिटायर्ड हो गए थे सरकारी स्कूलों से, क्योंकि उन लोगों को समाज से कि भाई अब रिटायर्ड हो गए तो ध्यान नहीं देते, तो उनका सम्मान किया, उसी के तहत कम्बल बांटे। प्रयास है कि जितना कुछ अच्छा कर सके भविष्य में, यहाँ के लोगों को एक स्वावलंबी बनाने का है कि भाई प्रेरणा ले कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों ना हम सब लोग को एक प्रयास करना चाहिए कुछ उसमें से कटौती करते हुए समाज को उत्थान के लिए हम उस पैसा को लगाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। व्यक्तिगत तौर पर भी विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां आपको हासिल हुए हैं इतनी कम उम्र में, तो हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व, कुछ माह पूर्व आपको मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया था, क्या था वो सम्मान, उस बारे में बताएं। 2005 से इंजीनियरिंग करने के बाद जी कुछ समय बाहर रहा, मुंबई में रहा, फिर जबलपुर जब वापस आया तो थोड़ा थोड़ा पहले से काम करता रहा इंजीनियरिंग के टाइम पे, पर कुछ समय बाद 2006-07 से जो मैंने काम चालू किया, मैंने साक्षरता क्षेत्र में काफी काम किया, जो कि स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं किसी ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं, उनको प्रयास किया उनके घर जाके उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना कि पढ़ें या हम उनको कैसे पढ़ा सकते हैं, मैंने प्रयास किया है कि उनको पढ़ाने का भी प्रयास किया है निःशुल्क और प्रौढ़ शिक्षा को भी आगे बढ़ा दें। साक्षरता के तहत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का अवार्ड मिला और तकनीकी क्षेत्र में ही मैंने कुछ कार्य किए, कुछ अपनी चीजें बताई कि तकनीकी क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके तहत भी उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा मुझे सम्मान मिला है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और सहयोग है कि आगे हम धीरे धीरे कुछ कर पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर आपके द्वारा, जिसमें विभिन्न प्रकार के समाज सेवी, जनप्रतिनिधि नजर आते हैं, सभी लगभग देखा जाता है कि समाज सेवी राजनीति में आ जाते हैं,
आपकी किसी प्रकार की योजना है ऐसा? देखिए आप लोग बोल सकते हैं ये चीजें, या आप लोगों को चीजों को ज्यादा लोगों से मिलते हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन समाज सेवी ही राजनीति में आता है ऐसा कुछ नहीं। राजनीति भी लोग कर रहे हैं, राजनीति भी समाज, जो राजनीतिक है वो सब समाज से भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं देश का विकास और देश के लोगों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो राजनीति स्वाभाविक है, जितने भी राजनीति है वो सब समाज से भी है। लेकिन मेरी कोई ऐसी योजना नहीं है, बस एक प्रयास है कि राजनीति की दिशा और दशा को हम बहुत अच्छा कर सके। कि जो हमारे देश में आज भी वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, लोग वोट डालने से कतराते हैं, तो क्यों ना हम प्रयास करें उन लोगों को, क्योंकि आपको लोग अच्छे लगे ना लगे लेकिन आप कुछ ना कुछ वोट डालिए, तब तो आप भविष्य में कह सकेंगे कि हमने वोट दिया हमारा काम नहीं हो रहा। तो वोट को प्रोत्साहन देना चाहिए, वोटिंग को, और अच्छे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, तो कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि एक आप युवा है, युवा इंजीनियर है, समाज सेवी, साक्षरता के क्षेत्र में लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, तो एक आप क्या एक अच्छा विकल्प आम जनता के मध्य बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तो बोलना उचित नहीं है। और हम लोगों से बढ़ के भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, हम तो प्रयास बस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर सके। हमसे बेहतर जबलपुर जिले में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जबलपुर के विकास को किस ओर देखते हैं? क्योंकि अभी नगर निगम में भाजपा की सरकार है जी, और केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो किस प्रकार से जबलपुर के विकास को होते हुए देखते हैं? देखिए ये तो निश्चित तौर पर कहना उचित होगा, भी सब लोग मानते होंगे कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मध्यप्रदेश शासन में बहुत अच्छा काम कर रही है। जबलपुर में खास तौर पर आपने देखा है, जब से भाजपा की सरकार आई तो जबलपुर मध्यप्रदेश में पहला और पूरे भारत में सातवां स्थान लेके आया है स्मार्ट सिटी को बनने के। और यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर और महापौर द्वारा और यहाँ के लोगों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो जबलपुर का नाम आगे बढ़ाता जा रहा है। जबलपुर में टॉयलेट बन रहे हैं, जबलपुर में अच्छा काम हो रहा है, लोग कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, रोडें साफ हो रही और नई रोडें बन रही। निश्चित तौर पर मैं बोलूंगा कि दो साल में जबलपुर का बहुत अच्छा विकास होगा और जबलपुर पूरे भारत में विश्व पटल में, क्योंकि यहाँ पर्यावरण या अपना टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर भेड़ाघाट है वो जबलपुर में, मतलब जबलपुर विश्व में के पटल में बहुत अच्छा नाम आगे बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर जो आपने अभी बात की, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छता अभियान को लेकर आपकी क्या राय है, क्या दृष्टिकोण रखते हैं? तो स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है भारत शासन द्वारा और अब हर लेवल में बढ़ते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम देखें इसको राजनीतिकरण न लेते हुए हम निश्चित तौर पर सोचें कि अगर आसपास की चीजें स्वच्छ होगी, साफ सफाई होगी, तो बीमारियां कम होगी, गंदगी कम होगी, तो लोग बाहर के लोग आके इसको अप्रिशिएट करेंगे और अच्छा बोलेंगे। उसी के तहत ये मुझे अच्छा निर्णय लगा सरकार का कि स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, टॉयलेट बनाया जा रहा है। उसी के कारण मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ 6 बजे उठ के 5-6 लोगों को लेके प्रयास करता हूँ कि खुद ही जहाँ गंदगी देखी वहाँ झाड़ू लगाने लगूँ, ताकि लोग मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ, लोग भी प्रोत्साहित हो कि हाँ हमको अपने आसपास के घर के सामने या रोडों में गंदगी नहीं फैलानी है। उसी के तहत मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेलते हैं या आसपास रोड है वहाँ लोगों को समझा सकूँ कि बेटा यहाँ कचरा ना फैलाइए या आम नागरिक कचरा ना फैलाएं। ये प्रयास है व्यक्तिगत तौर पर मैं कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा इसको सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और स्वच्छ जबलपुर और स्वच्छ भारत का नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान यह केवल प्रधानमंत्री जी की जवाबदारी जारी नहीं है। जाते जाते हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा इंजीनियरों को और खास तौर पर, चूंकि आप खुद एक युवा इंजीनियर हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश संक्षेप में ये बोलना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा बातों करने से पहले, संस्कृति और संस्कार जीवन में सबसे अमूल्य धरोहर है। कितने ही पढ़ लें, हम इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी कर लें, या राजनेता बन जाए या उद्योगपति बन जाए, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक संस्कृति और संस्कार हमारे पास नहीं है, तब हम मूल्यों का, हमारे जीवन में मूल्यों का क्षरण होगा, पतन होगा। तो हमको संस्कृति और संस्कार के साथ पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, आदर शिष्टाचार समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और इंजीनियर को, इंजीनियर ओनली इंजीनियर्स नहीं, सारे लोगों को आत्मविश्वास के साथ कि हाँ हमारा एक भारत है, हमारा एक देश है, हमारा एक समाज है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमारे साथ थे युवा इंजीनियर प्रभात दुबे जी, इसके उपरांत
हम उन्हें युवा समाज सेवी भी कह सकते हैं, और सतत रूप से जो साक्षरता अभियान को लेकर चल रहे हैं और उसमें समाज सेवा उस क्षेत्र में कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान को भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन भी कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, ऐसे ही एक युवा समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।